तो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ स्केरी स्टोरीज चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं घोस्ट सीरीज चैनल एडमिन अभिषेक का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी इस कोलैब वीडियो के लिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं कलेक्शन मूवी को अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर करें। मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एज वेल। इस फिल्म को 2012 में रिलीज किया गया था और फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिल्म की शुरुआत में हमको एक चलती हुई कार में एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी बेटी एलिना दिखाई देती है, जो कि ये कहता है कि वो उसको कुछ नहीं होने देगा और ये एक प्रॉमिस है, लेकिन तभी सडनली उनका एक्सीडेंट हो जाता है। देन हमको फिर से कलेक्टर की झलकियां दिखती हैं, जहां पर वो अपने हाइड आउट पर है। बहुत सारे स्पाइडर्स बग्स उसके हाइड आउट पर है, जो कि उसका एनिमल्स और बग्स के प्रति लगाव दर्शाता है। पूरा शहर इस सीरियल किलर से अलर्ट हो चुका था क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए थे और कम से कम 50 लोग गायब थे जो आज तक नहीं मिले। पुलिस पूरे शहर में रेड अलर्ट कर देती है और कलेक्टर को जान से मारने के लिए रेडी थी। यहाँ पर आर्किन की बीवी लीजा भी हमको एक न्यूज चैनल पर दिखती है, जो कि कलेक्टर से अपील कर रही है कि वो उसके पति को वापस लौटा दे। लाइक वो सच में उसको उसका पति वापस दे देगा? खैर, अब हमको एलिना दिखाई जाती है जो कि अब बड़ी हो गई है, लेकिन वो सुनने के लिए एक हियरिंग मशीन यूज करती है। एक्सीडेंट के बाद से उसके ईयर पर फर्क पड़ा था। एलिना को उसके बॉयफ्रेंड ब्रायन का फोन आता है वो उसे नहीं मिल सकता क्योंकि उसको काम करना है। खैर, एलेना के दोस्त मिसी और जॉश उसको एक पार्टी के लिए एक सीक्रेट क्लब में ले जाते हैं, जहां एंट्री लेने के लिए एक डरावने से व्यक्ति को पासवर्ड बताना पड़ता है। स्ट्रेंजली पासवर्ड करेक्ट था और वो सब इस पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं। पर तभी एलेना को उसका बॉयफ्रेंड ब्रायन किसी और लड़की के साथ यहां मेकआउट करता हुआ दिखता है, जिससे वो उसको एक जोरदार पंच मारती है। अब वो डांस फ्लोर को छोड़ के एक आइसोलेटेड रूम में एंटर करती है, जहां पर उसको एक रेड ट्रंक दिखता है और जैसे ही वो उसको ओपन करती है तो उसमें इंजर्ड आर्किन था। पर इस बार कलेक्टर ने इस ट्रंक के सामने एक ट्रैप लगाया हुआ था, जिससे आर्किन एलिना को बचाता है। लेकिन इससे होता ये है कि क्लब के अंदर एक डेडली ट्रैप शुरू हो जाता है, जो कि डांस फ्लोर पर नाच रहे सभी लोगों को मिक्सी ग्राइंडर की तरह पीसता हुआ चला जाता है, जिसके तहत जॉश भी मारा जाता है। बाहर भागते हुए ब्रायन भी मारा जाता है, क्योंकि हर जगह कई सारी ट्रैप्स लगे हुए थे। मिसी एक जगह पर ट्रैप हो जाती है, जहाँ पर और भी काफी लोग थे, जो कि हाइड्रोलिक प्रेस की वजह से दबके मारे जाते हैं। और कलेक्टर की नजर पड़ती है एलिना पर, वो उसका पीछा करता है और हम बाहर और भी कई सारे ट्रैप्स लगे हुए देखते हैं, जिससे काफी सारे लोग मारे जाते हैं। उसी आइसोलेटेड रूम में एलिना एंटर करती है और आर्किन की मदद मांगती है, लेकिन आर्किन की आंखों के सामने ही कलेक्टर एलिना को किडनैप करके ले जाता है अपनी कलेक्शन के लिए। अब आर्किन ब्रायन को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके ऊपर से नीचे एक कार के ऊपर कूद जाता है बचने के लिए। इसके चलते उसका एक हाथ टूट जाता है, लेकिन वो बच जाता है और ऊपर से कलेक्टर उसको देखता है। आर्किन को अब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसकी बीवी लीजा आती है और उसको संभालती है। यहां पर उसके लिए फ्लावर्स रखे हुए थे, जिसमें एक कार्ड था। कार्ड में लिखा था, गेट वेल सून, कांट वेट टू मीट द फैमिली। यानी कि उसकी नजर लीजा और सिंडी पर थी। आर्किन लीजा को वहाँ से अपनी माँ के यहाँ जाने को बोलता है बिना किसी को बताए, ताकि कलेक्टर उसको ना ढूंढ पाए। यानी कि कलेक्टर कोई ना कोई जान पहचान का था, तभी वो आर्किन को इतने अच्छे से जानता था। और जाने भी क्यों ना, क्योंकि आर्किन ही एक ऐसा था जो कि कलेक्टर के चंगुल से बच गया था। खैर, अब वहाँ पुलिस आ जाती है, जो कि उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है ड्यू टू हिज पास्ट, चोरी एंड ऑल। लेकिन अब वहाँ पर एक लुजैलो नाम का व्यक्ति आता है, जो कि एलिना के पिता का एम्प्लॉय था और उसी ने एलिना के एक्सीडेंट में जान बचाई थी। शुरू में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उस वक्त कार ब्लास्ट होने वाली थी, तो लुजैलो ने एलेना को उस कार से निकाल लिया था और तभी से वो एलेना के पिता का खास आदमी था। यहाँ पर पुलिस की बात भी होती है, लेकिन लुजैलो का कहना था कि अब ये मैटर कलेक्टर को जान से मारने के बाद ही खत्म होगा, क्योंकि पुलिस इस चीज में कुछ नहीं कर पाएगी। मीनवाइल कलेक्टर के हाइड आउट में हम एलेना को ट्रंक के अंदर बंद हुए देखते हैं, जहाँ पर वो ट्रंक में बने हुए होल से एक इंसान को देखती है, जिस पर कलेक्टर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है, लाइक उसकी जीभ काट देना और उस पर कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करना। फिर वो उस व्यक्ति के फेस पर एक ह्यूमन स्कल लगा देता है।
तो यहाँ से हम सभी को एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि कलेक्टर चुने हुए इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। एलिना ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। इन सब चीजों से एक बात पता चलती है कि कलेक्टर को मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में अच्छी जानकारी थी। खैर, आर्किन को अब लुजैलो की टीम से मिलवाया जाता है, जिसमें चार और लोग थे, ड्रे, वैली, पैज और लिन। आर्किन इन सबको कलेक्टर की हाइडआउट तक ले जाने का वादा करता है, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा। लुजैलो इस बात के लिए तैयार हो जाता है। आर्किन को जब कलेक्टर इस हाइडआउट पर लेकर गया था तो उसने अपनी रिस्ट पर कुछ मार्क्स बनाए थे, जिससे वो फ्यूचर में कभी यहाँ का रूट याद रख सके। आर्किन के साथ लुजैलो और टीम एक अबैंडन्ड होटल अर्जेंटो में पहुँचते हैं। आर्किन कंफर्म करता है कि यही वो जगह है जहाँ उसको कलेक्टर लेकर आया था। मीनवाइल हम देखते हैं कि एलिना किसी तरह से इस ट्रंक से बाहर निकल जाती है। वहाँ उसको एक और ट्रंक नजर आती है, जिसको ओपन करने पर पता चलता है कि उसके अंदर एक व्यक्ति है जिसकी आंखों की रोशनी नहीं थी और वो अधमरा पड़ा हुआ था। अब कलेक्टर वापस से इस रूम में आता है तो एलिना वहीं छुप जाती है, जहां पर बहुत सारे स्पाइडर्स और बग्स थे। हम एक मरी हुई लड़की को देखते हैं जिस पर कलेक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था। अब वो एलिना को बाहर निकालने के लिए चार पांच स्पाइडर्स को रूम में छोड़ देता है। एलिना उनसे डरती है, लेकिन किसी तरह से वो चुप रहती है। और तभी आर्किन के साथ ये सब लोग होटल का एंट्रेंस गेट ओपन करते हैं, जिससे अलार्म्स बजने लगते हैं और कलेक्टर सतर्क हो जाता है, जिससे एलिना को वहाँ से बाहर जाने का मौका मिल जाता है। लिन को बाहर मेन गेट पर सिक्योरिटी के लिए छोड़कर अंदर आर्किन को ले जाते हैं, वो भी जबरदस्ती। अंदर जाकर इनको वहाँ कई सारी सिरिंजेस गिरी हुई दिखती हैं, जो कि कलेक्टर की सिक मेंटालिटी को दर्शाती है। अंदर आते ही बाहर खड़ा हुआ टीम मेंबर लिन कलेक्टर के द्वारा मार दिया जाता है, एंड लुजैलो को उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। यहाँ पर अब इन सभी के ऊपर कई सारे लोग अटैक करते हैं, जिनको कलेक्टर ने ड्रग्स देकर पागल कर दिया था, जिसके कारण से ही इनको उन सभी को मारना पड़ता है। एलिना सीक्रेट वेन से चलते चलते एक रूम में पहुंच जाती है, जहां पर उसको एक एबी नाम की लड़की दिखती है, जो कि ये कहती है कि वो कलेक्टर की फेवरेट है और वो उसके रूल्स नहीं तोड़ सकती एलिना के साथ बाहर जाकर। बट एलिना उसको मना लेती है और वो दोनों बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लुजैलो की टीम अब चलते चलते एक व्यक्ति से जा टकराती है, जो कि ये कहता है कि वो परफेक्ट नहीं था और कलेक्टर से वो बच नहीं पाएगा, मीनिंग कि कलेक्टर के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वो फिट नहीं बैठा, जिसके चलते कलेक्टर ने उसके कॉलर में एक बॉम्ब लगा रखा था और अचानक से ही वो सबके सामने मर जाता है। अब इनकी टीम का एक और मेंबर ड्रे एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके कारण उसकी भी मौत हो जाती है, जिसके चलते आर्किन वहां से भाग जाता है। यहाँ पर कलेक्टर आर्किन को अंधेरे में दिखाई देता है, क्योंकि हल्की हल्की लाइट्स वहाँ जल रही थी। लास्ट मोमेंट पर आर्किन वहाँ से भाग जाता है। एलिना और एबी साथ में ही थे कि तभी एबी एलिना के कान में हियरिंग मशीन को देख लेती है, जो कि एलिना को ये कहती है कि उसके अंदर कमी है और वो कभी भी कलेक्टर के काम नहीं आएगी। गुस्से में वो एलिना को थप्पड़ मार देती है और तभी वहाँ पर कलेक्टर आकर एलिना का पीछा करता है, पर एलिना ऊपर पाइप पर बैठ जाती है और एक वेंट से बाहर की तरफ भाग जाती है, जहां पर उसको कई सारे ट्रैप्स नजर आते हैं। बेसिकली यहां पर कलेक्टर की मेंटालिटी थी कि हेल्दी ह्यूमन ही उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेगा और जो इम्परफेक्ट होंगे उनको वो मार देगा। आर्किन अब चलते चलते एक सीक्रेट विंडो के पास आता है, जिसका रास्ता नीचे की तरफ जाता था। लुजैलो की टीम उसको ढूंढती है तो वो उसी विंडो के अंदर छुप जाता है और नीचे गिरता है, जिससे वहाँ पर उसको कई सारे मरे हुए लोगों की बॉडी और ब्रेन वॉश्ड किए ह्यूमंस पिंजरे में बंद हुए दिखते हैं। यहाँ पर एलिना, लुजैलो, उसकी टीम और आर्किन सबको होटल में घूमते टाइम ये नजर आता है कि कलेक्टर ने ग्लास केसेस के अंदर कई सारे इंसानों को मार के उनकी बॉडी के पार्ट्स को इंसेक्ट जैसा बना रखा था। आर्किन को इस ग्लास वाली प्लेस में एक लड़की भी वॉल पर टंगी हुई दिखती है, जिसके चलते वो उससे मदद मांगती है, लेकिन फिर से वहाँ कलेक्टर आता है और उस लड़की का गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इवेंचुअली आर्किन को लुजैलो की टीम पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहाँ कलेक्टर आता है और लुजैलो को छोड़ के वैली मारा जाता है, और पैज को कलेक्टर पकड़ लेता है एक बेट की तरह इस्तेमाल करने के लिए। एलिना को एक एग्जॉस्ट फैन के आर पार कुछ लोग खड़े हुए दिखते हैं, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुँचती। आर्किन और लुजैलो एक साथ काम करने लगते हैं। इनको एबी मिलती है, जो कि उनको एलिना के पास ले जाने का प्रॉमिस देती है। अब कलेक्टर पैज को नुकसान पहुंचाता है जानबूझकर, ताकि ये सब उनकी आवाज सुनकर
उसको बचाने आए और वो उनको मार दे। एलिना भी इस आवाज का पीछा करते करते पैस के पास पहुंच जाती है और लुजेलो एक स्पीकर के पास पहुंचता है जहां पर लिन की डेड बॉडी थी और उसको एहसास होता है कि ये एक ट्रैप है। तभी वहां कई सारे ब्लास्ट होते हैं जिससे किसी तरह से वो बचकर बाहर जाता है। एलिना पैस को बचा लेती है और ये सब एक साथ आ जाते हैं। अब एबी पर बिलीव करने के लिए एलिना इनको मना करती है पर वो उसकी बात मानते हैं क्योंकि उसी ने इनको एलिना के पास पहुंचाया था जो कि सच नहीं था। वो तो इनको ट्रैप के पास लेकर आई थी। इनको अब वही रूम मिलता है जहां पर एक एग्जॉस्ट फैन था जिससे देखने पर उनको होटल के बाहर दो लोग नजर आते हैं और आर्किन एक व्यक्ति को पैर में गोली मारता है ताकि वो पुलिस को यहां पर बुला ले और जब पुलिस वहां आती है तो वो दूसरी गोली पुलिस की कार पर चलाता है ताकि उनका ध्यान इनकी तरफ जाए और पुलिस फोर्स वहां आ जाए और ठीक ऐसा ही होता है। अब एबी पूरे ग्रुप को धोखा देती है और चिल्लाने लगती है कि वो सब इस रूम में हैं। अब इससे होता ये है कि वो फ्लोर पर लगे ट्रैप पर पैर रख देती है जिससे एक आयरन केज में फंसने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस चीज से कलेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो ड्रग कुत्तों को अपने साथ लेकर आता है जो कि सेम डॉग ब्रीड है जो कि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में थी। इसके चलते कलेक्टर एलिना को किडनैप कर लेता है। लुजेलो फ्लोर पर लगे ट्रैप में फंस जाता है जिसके चलते वो पैज और आर्किन को कहता है कि उनको एलिना को बचाना ही होगा। एलिना इनको ऑटोप्सी टेबल पर बंधी हुई दिखती है लेकिन जैसे ही ये दोनों उसके पास पहुंचते हैं तो वहां पर भी ट्रैप था जिससे ये सब एक केज में बंद हो जाते हैं। कलेक्टर अब इनको देखता है और एक लाइटर दिखाता है जिससे ये बात साफ थी कि वो इस होटल को जला देना चाहता था। वो यहां पर सुतली में आग लगा देता है और वहां से बाहर आ जाता है। आर्किन किसी तरह से अपने फ्रैक्चर हाथ को तोड़ता है विद द हेल्प ऑफ एलिना और इस केज को ओपन करता है। पैज उसका हाथ फिर से रिलोकेट करती है और ये वहां से बाहर जाने लगते हैं। इस वक्त तक उस रूम में आग लग जाती है जो कि पूरे होटल में फैलने लगती है। उनको एक डोर दिखता है लेकिन वो आयरन शीट से जाम था। इनको कई सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स वहां नजर आते हैं पर तभी अचानक से पैज को कलेक्टर मार देता है। आर्किन को भी वो आराम से संभाल लेता है क्योंकि उसका एक हाथ टूटा हुआ था। अब जैसे ही कलेक्टर आर्किन और एलिना को मारने वाला था कि तभी वहां एक डॉग का सर कोई फेंकता है। यहां पर अब लुजेलो आ जाता है जो कि अभी तक जिंदा था। उसने एक डॉग की बॉडी का इस्तेमाल करके खुद को उस ट्रैप से बचा लिया था जो कि काफी ऑब्वियस था क्योंकि ये सीन की डिमांड थी। अब यहां पर ऐसा लगता है कि लुजेलो बहुत अच्छी फाइट देगा लेकिन ये तो बस एक वन साइडेड फाइट नजर आती है। वो कलेक्टर को एक दो कट्स देता है बट कलेक्टर नाइफ को उसके पेट में कई बार स्टैब कर देता है जिससे लुजेलो की मौत हो जाती है। पर लुजेलो कलेक्टर को ऐसी पोजीशन में पकड़ लेता है जिससे आर्किन उसको मार सके। आर्किन कलेक्टर को काफी पूरी तरह से मारता पीटता है और उसको उसी विंडो से नीचे फेंक देता है जहां पर कई सारी डेड बॉडीज और उसके द्वारा ब्रेन वॉश्ड किए गए ह्यूमंस थे। वहां गैसोलीन भी था तो आर्किन अपने पहने कपड़े को एक टुकड़े पर आग लगा के नीचे फेंक देता है जिससे वहां आग लग जाती है। बिल्डिंग अब अच्छी तरह से आग पकड़ चुकी थी और आर्किन वहीं सेंटर में अपना फेट एक्सेप्ट कर लेता है। एलिना वहां गेट पर चिल्लाती है जिससे रेस्क्यू टीम उस गेट को काटने लगती है। अब एलिना वहां पर रखे हुए एक्सपेरिमेंट ग्लासेस को तोड़ देती है जिससे बहुत सारा पानी बाहर आता है जिसके चलते वो आर्किन को बचाती है और फिर रेस्क्यू टीम गेट काटकर इन दोनों को बचाती है। फाइनली एलिना अपने पिता से मिलती है और उनको हग करती है। एंड में कई सारे ट्रंक्स और डेड बॉडीज को बरामद किया जाता है पर वहां बस कलेक्टर का मास्क मिलता है जिसका मतलब ये था कि कलेक्टर अभी तक मरा नहीं था। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि एक घर है जिसमें कलेक्टर है और वो एक न्यूज सुन रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया एक्सेप्ट फॉर हिज सन। देन अचानक से ही कलेक्टर सतर्क हो जाता है क्योंकि उसको एहसास होता है कि उसके घर में कोई है। तभी आर्किन वहां कलेक्टर के हेड पर गन रख देता है जो कि उससे ये कहता है उसको क्या लगा कि वो उसको ऐसे ही जाने देगा। और यहां पर एक राज की बात पता चलती है कि उसने यहां के आसपास में रजिस्टर्ड एंटोमोलॉजिस्ट को ढूंढा है। एंटोमोलॉजिस्ट वो होता है जो कि बग्स और इंसेक्ट्स के बारे में जानकारी रखता हो। एंटोमोलॉजी जूलॉजी की एक ब्रांच है। आर्किन कहता है वहाँ पर टोटल 14 थे जिसमें वो 12th पर है और वही कलेक्टर है। पहली बार हम कलेक्टर को कुछ कहते हुए सुनते हैं कि वो उसको यहाँ जान से मारने आया है पर आर्किन उसको कहता है कि वो उसको इतनी आसानी से नहीं मारेगा और उसको फील करवाएगा जो उसने फील किया। सडनली वो उसको उसी रेड ट्रंक में डालता है और बिल्कुल फर्स्ट फिल्म जैसे कलेक्टर के हाथों पर ट्रंक के गेट को मारता है उसको अपने साथ ले जाने के लिए। मूवी यहीं पर ओवर हो जाती है। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी।
बात करें कलेक्टर के बारे में, तो अंत में जब कलेक्टर एक न्यूज सुन रहा था तो उसमें ये बताया गया था कि एक व्यक्ति ने अपने पूरे घर को मार दिया एक्सेप्ट फॉर द चाइल्ड। कुछ केमिकल्स के असर से थैंक्सगिविंग के दिन उसने पूरी फैमिली को मार दिया और ऐसा 60 सालों में कभी नहीं हुआ था। तो ये चाइल्ड ही बड़ा होकर कलेक्टर बना है। सिर्फ एक इंसान को छोड़कर बाकी सभी को मार देने का नेचर इसको अपने पिता से मिला है। बात करें कलेक्टर के एक्सपेरिमेंट्स की, तो ऐसा इसलिए क्योंकि कलेक्टर के पिता एक म्यूजियम में काम करते थे और म्यूजियम के अंदर कलेक्शन के अंदर जिन केमिकल्स का इस्तेमाल होता था उसी से वो पागल हुए। कलेक्टर पर इस चीज का काफी गहरा असर पहुंचा था, जिस कारण से इंसानों को मार के उनको जानवर और बग्स जैसा बनाकर कलेक्ट करना, जो कि म्यूजियम जैसा दिखता है, ये सब उसने अपने पिता से ही सीखा। बेसिकली इंस्पिरेशन, 2009 कलेक्टर मूवी में एक सीन था जहां पर येलो स्पाइडर को भी कलेक्टर ने घर से बाहर जाने दिया। वो इसी कारण से था कि उसको इंसेक्ट से प्यार था, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। कलेक्टर वॉज एंटोमोलॉजिस्ट। कलेक्टर इतना चालाक था कि उसने अपना घर बाहर से बहुत ज्यादा अच्छा बनाया हुआ था ताकि कोई उसके ऊपर शक ना करे। अब मैं आपका ध्यान दो और चीजों पर दिलवाना चाहती हूँ कि कलेक्टर को इतनी बार मारा पीटा गया, जलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन स्टिल वो बिल्कुल सही सलामत था, जिसका कारण हो सकता है हाई अमाउंट ऑफ ड्रग्स इनसाइड हिज बॉडी। दूसरा कि उसने इस क्लब में इतनी बड़ी मशीन कैसे इंस्टॉल की, जबकि ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि ये सब इंस्टॉल किया लेकिन किसी की भी नजर में वो नहीं आया। तो व्हाट आई थिंक कि उसने ये जगह रेंट पर ली होगी या फिर उसने ये जगह परचेस की होगी और फिर उसने ये सब इंस्टॉल किया होगा, अदरवाइज सबकी नजरों के सामने ये सब करना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कितने टाइम से ये प्रिपेयर कर रहा होगा कि इस चीज को अंजाम देने के लिए। ये चीज एक दिन में तो करनी नामुमकिन है। विक्टिम्स को सिलेक्ट करने का भी कोई पैटर्न नहीं था, एज इफ वो रैंडमली किसी को भी चुन लेता था, क्योंकि पुलिस में भी वो यही सब बोलते हैं कि पैटर्न पता करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। खैर, अभी भी काफी सारी चीजें बची हैं जो कि हमको कलेक्टर 3 में पता चलेंगी, लेकिन ऑफिशियली अभी तक तो थर्ड पार्ट अनाउंस नहीं हुआ ड्यू टू द बजट प्रॉब्लम, बट होपफुली इसी साल इसका थर्ड पार्ट आ सकता है। जब आएगा तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगी। मैं एक बार फिर से घोस्ट सीरीज चैनल का शुक्रिया करना चाहूंगी और स्पेशली आप सभी का जिन्होंने वीडियो को अभी तक देखा है। मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीजों को कवर करूं, तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी। मेरे लिए कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाई।